ताहिर गोरा के शो बिला तकलुफ़ में मैं हलीमा सादिया आपको खुश आमदीद कहती हूँ आज हमारी बातचीत होगी पाकिस्तान में सरकार कौन बनाएगा और पाकिस्तान में इलेक्शन कैसे हुए इसके साथ साथ रूसी सदर पुतिन के इंटरव्यू के हवाले से रूस वेस्ट की कशमकश का जायजा लेंगे इस बात का भी तज्जिया करेंगे कि टक्कर कार्सन ने यह इंटरव्यू किस ढंग से किया है इसराइल में बेंजामिन नितिन याहू के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं जासूसी के रिहा कर दिया है इन हालात को ताहि गुरा कैसे देखते हैं और इस पर क्या तबसरा करते हैं चलिए इसको देखते हैं तो बातचीत का आगाज करते हैं पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शन के रिजल्ट के हवाले से पाकिस्तान में पीटीआई का कहना है की उनसे मैंडेट छीन लिया गया है ये बात कुछ और जमातें भी कर रही हैं आप पाकिस्तान में धांधी के इन इल्ज़ाम को कैसे देख रहे हैं और इस पर आप कैसा तबसरा करेंगे देखिए पीटीआई का ये कहना कि उनसे मैंडेट छीन लिया गया है आ, किसी हद तक दुरुस्त लगता है मगर मकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं है ऐसा नहीं लगता कि उनसे मकम्मल तौर पर मैंडेट छीन लिया गया है अगरचे इलेक्शन से पहले उनके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादियाँ हुई हैं मैं ये समझता हूँ कि उनसे बल्ला छीन लिया गया आ, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई ये रियलिटीज़ हैं मगर इसके बावजूद उनके उम्मीदवार जो आज़ाद हैसी से इलेक्शन में लड़े वो जीते हैं और बड़ी अहम राइडिंग्स में जीते हैं जहाँ पे उन्होंने बड़े बड़े बुर्ज उल्टाए हैं जैसे साद रफ़ीक ख्वाजा साद रफ़ीक एक बड़े इनके हैं शेख असगर रोहेल अगर जो उनकी जगह पे जो जीता था आदमी पीटीआई का वो अब पीटीआई को छोड़ के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में चला गया है तो पाकिस्तान में और भी पार्टियां ये इल्ज़ाम लगा रही हैं अब देखिए जैसे सिर्फ ये आ, मामला मुस्लिम uh, लीग और पीटीआई का नहीं है पीटीआई uh, का कहना है और भी पार्टियों का कहना है कि कराची में मैंडेट एम क्यू एम को दिया गया या कोयटा में पार्टियाँ uh, कुछ प्रोटेस्ट कर रही हैं इस वक्त और उनका ये कहना है कि हमसे मैंडेट छीन लिया गया तो देखिए पाकिस्तान जैसे मुल्कों में इलेक्शन के दौरान इस तरह की बेकायदगियाँ धलियाँ आप कह लीजिए है, होती हैं लेकिन अगर हम कनाडा से बैठ के पाकिस्तान के इलेक्शन का तजिया करें पूरी दुनिया के जो ऑब्जर्वर्स कह रहे हैं उन सब के कंसर्न ज़रूर हैं मगर ऐसा नहीं कहा जा रहा कि जी ये बिल्कुल ही धांतली वाले इलेक्शन थे टोटल कुछ धांतली थी मैनूवरिंग थी मैनेजमेंट थी कुछ राइडिंग्स में जो रिजल्ट्स थे वो लगता है कि वहाँ पे उन्होंने मेनूवरिंग की है अपनी मर्जी के लोगों को थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा करके कामयाब कराया मगर पाकिस्तान में ये पहली बार तो नहीं हो रहा पीटीआई जो इल्ज़ाम लगा रही है ख़ुद पीटीआई के हक में 2018 के इलेक्शन में बहुत इंजीनियरिंग हुई थी बहुत मैनूवरिंग हुई 2018 के इलेक्शन में क्या हुआ कि मुबैना तौर पर कहा जाता है जिसको सिलेक्शन कहा जाता है इमरान ख़ान की उसमें वोटों आ, के सिलसिला में डब्बे भरे गए या इस तरह की बातें की जाती हैं मगर वाज तौर पर सबूत किसी के पास नहीं है ये सिर्फ मतलब क्या सराइयों पे बात होती है या फिर जो उस वक्त के हालातों शवाद तो उस पर बात होती थी आ, ये ज़रूर हुआ कि आर्मी ने जो छोटी छोटी पार्टियों के लोग थे उनको घेर घा के इकट्ठा किया और इमरान खान के साथ जोड़ा जैसे उस वक्त बाप पार्टी एम क्यू एम पार्टी छोटी छुट छोटी और पार्टियाँ जिन जिन को आर्मी घेर सकती थी उनको इकट्ठा करके इमरान ख़ान के साथ जोड़ा तो अब जो मामला है अब धांधली के सिलसिला में आ, भी मामला मिलता जुलता है लेकिन मैंडेट किसी पार्टी के पास इतना नहीं है या आ, इतनी अक्सरियत भी नहीं है कि वो कोई किसी दूसरी पार्टी के साथ मिलके हुकूमत बना सके हर पार्टी को कोई तीन चार पार्टियां चाहिए या आज़ाद कैंडिडेट चाहिए अब पाकिस्तान में पीटीआई के कुछ 93 के करीब अब तक के जो नतज सामने आए हैं 93 के करीब आज़ाद कैंडिडेट्स हैं सात आठ दूसरे आज़ाद कैंडिडेट्स हैं तो धांधली ज़रूर हुई है लेकिन इलेक्शन बहरहाल इतने आ, हुए हैं सोफिस्टिकेटेड तरीके से मैं उनकी ज़ुबान में ये बात कर रहा हूँ कि उस धाधली को पकड़ना ज़रा मुश्किल है अगरचे फॉर्म फोटी सेवन की बात हो रही है कि जी फॉर्म फोर्टी सेवन जब मिलेंगे फिर उससे पहला मरहला फॉर्म फोर्टी फ़ाइव का था तो वो फॉर्म गुम हो गए हैं कईयों के बदल दिए गए हैं तो इस तरह के वाक़ वहाँ पर ज़रूर हुए हैं लेकिन लगता ये है कि जो पाकिस्तान के इलेक्शन के रिज़ल्ट आए हैं वो मकम्मल तौर पर किसी के हक में भी नहीं आए हती कि वो पाकिस्तान आर्मी के हक़ में भी नहीं आए लेकिन पाकिस्तान आर्मी का वहाँ पे मामला ये है कि उनके कंट्रोल में पाकिस्तान की सारी चीज़ें हैं विद इन द पाकिस्तान वो जैसे भी रिजल्ट आए हों वो उनको मैनेज करके जो वो चाहें वो कर सकते हैं पॉलिटिकल मनोवरिंग करके वो मुख्त को लेकिन यहाँ मैं एक बहुत अहम सवाल आपसे करना चाहूँगी कोलेशन की बातें हो रही हैं तो कोलेशन में बार बार एक बात दोहराई जा रही है कि इमरान खान की पार्टी जो है जिस जिसके क्या अब आजाद उम्मीदवार है पी टी आई तो अब खत्म कर दी गई ना जब बल्ला निशान ही नहीं दिया गया एक यूनानस फैक्टर ही नहीं हुआ कि वो जिसके साथ भी सारे तो क्या सारे आजाद उम्मीदवार किसी एक पार्टी के साथ कुल्यूशन कर सकते हैं कि इस वक्त जो कुल्यूशन की दावत है सबको सबके साथ वो डिपेंड करता है कि कौन किसके साथ नथी हो सकता है ये पॉलिटिक्स में पूरी दुनिया में जहाँ भी माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनती है वहाँ ये नेचुरल होता है कि भाई आ, अगर आ, कोई एक पार्टी भी सरकार बनाने की पोजीशन में ना हो तो वो कोलिशन अपनी हम ख्याल जमातों के साथ बनाती है तो पीटीआई कह रही है अभी तक तो कि भाई हमारी ये जो जमातें हैं ये हम ख्याल नहीं हैं हम तो उनके साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनाएंगे बल्कि पी टी आई के कुछ लोगों ने गालबन बेरिस्टर गौहर नहीं कहा हुआ है कि हम पीट, हम पीपल्स पार्टी के साथ कोलिशन भी नहीं करेंगे आ, हम तरजीह देंगे कि हम अपोजिशन के तौर पर बैठें मैं ये समझता हूँ कि अगर वो अपोजिशन के तौर पर बैठते हैं तो ज़्यादा अच्छा है पी टी आई के लिए भी पाकिस्तान के पोलिटिकल सफ़र के लिए भी और देखिए अगर वो अपोजिशन में बैठते हैं तो उनका हमेशा पी टी आई का ये नरेटिव रहा कि ये नवाज़ शरीफ भी चोर है इनकी जमात भी चोर है पीपल्स पार्टी वाले भी चोर हैं जरदारी भी चोर है तो वो फिर ये कहेंगे कि देखिए जी चोर फिर इकट्ठे हो गए एक बार और हम अपोजीशन में इनका मुकाबला कर रहे हैं ये इनके लिए बहुत अच्छा होगा पी टी आई के लिए अगरचे उनके आज़ाद उम्मीदवारों के पास सीटें ज़्यादा हैं वो आज़ाद उम्मीदवार अब फिर से एक ग्रुप बना सकते हैं उनके पास ये कॉन्स्टिट्यूशनल परमिशन है कि वो अपना एक ग्रुप बना लें उसका नाम तहरीक इंसाफ एक्स वाई जेड कुछ रखते हैं मतलब तरीके अभी तो इंसाफ को मसला न उनका इंट्रा पार्टी जो इलेक्शन है जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनसे बल्ला का सिंबल छीना था और उन्हें पार्टी का स्टेटस एक तरह से वो लूज़ कर गए थे जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो जाते हैं तो वो आई डोंट नो कॉन्स्टिट्यूशन क्या इजाज़त देता है लेकिन मुझे लगता है कि फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पाकिस्तान की कोई उनको परमिशन दे देगी कि वह इंसाफ पाकिस्तान को दोबारा से लॉन्च कर सकें री लॉन्च कर सकें लेकिन अभी भी वो पार्लियामेंट में जाके किसी भी ग्रुप के नाम से वो सब आज़ाद उम्मीदवार जितने वो इकट्ठे कर सकते हैं वो करके एक पार्टी का नाम दे, दे देंगे बाद में उसको चेंज भी कर सकते हैं जो मेरी इन्फॉर्मेशन है लेकिन कोलिशन तो बनेगा जो दो तीन चार पांच पार्टियां आपस में रजामंदी का इज़हार करेंगी ये पूरी दुनिया में होता है अभी नीदरलैंड के इलेक्शन के रिजल्ट आए थे अभी वहाँ पे नई हुकूमत बन रही है वहाँ पे मतलब कोई बीस बीस, बीस बाईस है। पार्टियाँ हैं सात आठ पार्टियाँ एक तरफ हैं कुछ दूसरी तरफ हैं कुछ तीसरी तरफ हैं तो यही सूरत हाल पाकिस्तान की है मगर पाकिस्तान में सूरत हाल थोड़ी कॉम्प्लेक्स है क्योंकि वहाँ पर पोलराइजेशन बड़ी शदीद नोयत की है उस पोलराइजेशन की वजह से अब मुझे जो है लगता यही है कि पी डी एम की जो सरकार इमरान खान की सरकार गिरने के बाद बनी थी उसको पी डी एम की सरकार कहते थे जिसमें पीपल्स पार्टी नवाज़ शरीफ का ग्रुप और एम क्यू एम और दूसरे दड़े थे अब शायद पी डी एम टू सरकार बनेगी जो जमातें पी डी एम की पहली सरकार में थी उन्नीस बीस के फर्क के साथ ही पी डी एम की दूसरी सरकार में आ, मुझे वो नजर आ रही है मुझे क्या सभी को नजर आ रही है लेकिन पाकिस्तान में पोलिटिकल मंजरनामा बदल भी सकता है चलिए आपकी इसी इसी तबसरे के साथ कनेक्टेड बात है कि पी टी आई का तो यहाँ तक दावा है कि उन दो तिहाई अक्सर उनकी दो तिहाई अक्सरियत को बदल दिया गया तो आप इस दावे को कैसे देखते हैं देखिए पी टी का यही सोशल मीडिया पे वावेला है और मीडिया पर भी ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास तो 178 से 180 सीट्स आ गई थी उनका ये दावा इस बुनियाद पर है मैं, मैं जब टेलीविज़न देख रहा था मेरी तरह लाखों लोग टेलीविज़न देख रहे थे हर मेरी तो मजबूरी थी कि एक जर्नलिस्ट होने के नाते साउथ एशिया पर मैं बात करता हूँ तो पाकिस्तान के एलैक्शन पर भी हमारी नज़र रहती है तो वो देख रहे थे तो जो शुरू के 10-15 परसेंट रिज़ल्ट आ रहे थे शुरू के उनमें काफ़ी लीड थी आ, मतलब अगर एक पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट आया जी 1200 वोटों का फ़र्ज़ कीजिए उसमें 670 वोट पीटीआई के थे 350 मिसाल के तौर पर ये 410 सौ दस पाकिस्तान मुस्लिम लीग के थे ख़ासतौर तो पर यह पंजाब की राइटिंग्स में ये ज़्यादा था तो उससे ये एज्यूम कर लिया गया मीडिया ने भी और सियासी जमातों ने भी और पी टी आई ने भी कि भाई हम तो अब जीत गए हैं हालांकि रिज़ल्ट कोई एक दो पोलिंग स्टेशनस के थे टाइम वो तीन चार परसेंट रिजल्ट थे मैक्सिमम दस बारह परसेंट रिज़ल्ट थे जिसकी बुनियाद पर ही वो ये एज़्यूम कर रहे थे लेकिन जब ये रिज़ल्ट आगे गए हैं पचास परसेंट हुए हैं साठ परसेंट हुए हैं सत्तर परसेंट अस्सी परसेंट तो फिर कुछ रिजल्ट तो ऐसे भी रहे कि जैसा नज़र आ रहे थे उसी रेशो से आगे चलते गए उन्नीस बीस के फर्क के साथ कुछ बदल भी गए उनमें से कुछ ऐसे रिजल्ट भी हैं जो पी टी आई के लोगों के रिज़ल्ट पीछे थे मगर जब वो आगे बढ़े हैं परसेंटेज में रिजल्ट तो उनके वोट्स बढ़ गए हैं लेकिन कुछ सीटें ऐसी थी ख़ासतौर तो पर मियाँ नवाज शरीफ की लाहौर से सीट आ, जिसके बारे में आ, ये शुबह पहले होता था ख़्याल होता था जो जब रिजल्ट आ रहे थे कि भई ये जो आ, है ये शायद नवाज शिव अपनी सीट हार रहे थे डॉक्टर यासमिन राशिद के हाथों लेकिन जब रिजल्ट आया फाइनल वो एकदम से आया था आ, रात मेरा खाले एक दो बजे जिसमें यह बताया गया कि नवाज शरीफ एक लाख इकहत्तर हजार समथिंग वोट से Uh, वो राइडिंग जीत गए और डॉक्टर यासमिन राशिद को एक लाख दस बारह हज़ार वोट वाट एवर नंबर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं इस तरह वोट पड़े तो उसमें ये वावेला काफ़ी मचा तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए बात यह कि मैं इस बात या इस अमकान से दूर नहीं जाता कि पी टी आई को टू थर्ड सीटें मिल सकती थी या मिली होंगी लेकिन वो आखिर में जब इलेक्शन रिजल्ट्स को एकदम से रोक लिया गया रात बारह बजे के बाद और फिर से वो गलबम तीन चार बजे के बाद शुरू हुए पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तो फिर से आना शुरू हुए तो उनमें वो जो रेशो शुरू में दस बारह परसेंट वोटों की बुनियाद पर आ रही थी वो ज़रा मुख्तलिफ आ रही थी लेकिन अब उनका अक्सरीत का दावा अपनी जगह पर है आ, वो तो इमरान वो तो नवाज शरीफ ने भी आ, ये कह दिया कि मैं जो दूसरी सीट पे श, आ, के पी के से हारा हूँ वो मेरे खिलाफ ज्यादा हुई है तो ऐसा नहीं कि इस इलेक्शन में ज्यादती की बात सिर्फ पी टी आई या कुछ और पार्टियाँ कर रही हों वो तो मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप भी कर रहे हैं कभी हमारे साथ भी कुछ हाथ हो गया है और हो सकता हो भी गया हो लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सब पार्टियों के साथ कुछ ना कुछ हाथ हुआ है लगता है हुआ है आ, शायद पीटीआई के साथ ज़्यादा हुआ हो क्योंकि इलेक्शन से पहले भी उनके साथ हाथ तौर पर हो रहा था लेकिन यह है कि रिजल्ट जो आए हैं वो बड़े मैनिपुलेटेड किस्म के इलेक्शन थे वेल मैनेज इलेक्शन थे और ऐसे रिजल्ट आए हैं कि जिनके बारे में पाकिस्तान के मुबसरीन कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टियों के साथ तो जो हाथ हुआ सो हुआ ही है वो पाकिस्तान आर्मी के साथ भी हाथ हो गया है यानी वो भी ये नहीं चाहते थे कि ये वाले रिजल्ट आए तो इलेक्शन जो है बहुत अनप्रडिक्टेबल चीज़ है जैसे क्रिकेट होती है बहुत अनप्रडिक्टेबल चीज़ या मौसम अनप्रडिक्टेबल हो जाते हैं जब तूफान की सूरत होती है तो पशीन कोई कुछ और तरह की होती है और कुछ और तरह का रिज़ल्ट आता है तो बहरहाल उनका ये दावा उनकी दो तहाई अक्सरियत थी उसको बदल के कम कर दिया गया तो इसका इम्कान ज़रूर मौजूद है मैं इसे इनकार नहीं करता लेकिन आ, जो शवाहद हैं वो कम अज़ कम मुझे ये नहीं कन्विंस करते कि दो तहाई अक्सरियत लेती पी टी आई नज़र आ रही थी जितनी सीटें उनके आज़ाद उम्मीदवारों को मिली हैं इससे ज़्यादा उनको गालबन मिली होंगी सीटें आ, और मतलब अपनी प्रैक्टिकल हैसियत में वोट ज़रूर पड़े होंगे लेकिन वोट काटे भी गए हैं उनसे लेकिन ये अब पाकिस्तान जैसे मुल्कों की डेमोक्रेसी में होता है अब पॉलिटिकल पार्टीज को ये सहमना पड़ेगा खुद पीटीआई के फेवर में ये सब कुछ हुआ है जो आज उनके खिलाफ हो रहा है चलिए सारे पॉलिटिकल ड्रामे और ट्रामे में चलिए अब हम इस बुनियादी सवाल की तरफ आते हैं कि पाकिस्तान में सरकार कौन बनाएगा और वजीर आजम कौन होगा आपकी इस सिलसिला में क्या राय है देखिए पाकिस्तान में सरकार कौन बनाएगा वज़ी अजम कौन होगा एज़ ऑफ नाव जब हम अपनी बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मुझे यूँ लगता है कि इस बात का अंदाज़ा ख़ुद पाकिस्तान की अंदाज़ा तो शायद हो मगर इस बात का यकीन पाकिस्तान की सियासी जमातों को खुद नहीं है क्योंकि पाकिस्तान की सियासी जमातों में इंटरनली इस वक्त बहुत कश्मकश पाई जा रही है बहुत गंभीरता है जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप का यह ख्याल था उन्होंने तय किया हुआ था कि भाई हम शायद अब आ, अगली सरकार अक्सरीत के साथ बनाएंगे एटलीस्ट सादा अक्सरीत के साथ तो बनाएंगे तो उस सूरत में उनका यह ख्याल था कि नवाज़ शरीफ वजीम का वो जहनी तौर पर तैयार थे नवाज़ शरीफ भी पाकिस्तान का मीडिया भी इवन पी टी आई वाले भी ज़ेनी तौर पर एलेक्शन से पहले तैयार थे कि भाई लगता है कि आर्मी नवाज़ शरीफ को ही बढ़ाएंगी प्राइम मिनिस्टर ये इम्कान अभी भी गालिब है कि नवाज शरीफ ही शायद प्राइम मिनिस्टर हों लेकिन अब नवाज शरीफ एक बहुत ही माइनॉरिटी सरकार के प्राइम मिनिस्टर होंगे उनके हाथ बुरी तरह बंधे होंगे इसीलिए अभी तक उनकी पार्टी के अंदर भी ये डिबेट चल रही है कि क्या शवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाना है या इवन मरीम नवाज तक का नाम लिया जा रहा है और नवाज़ शरीफ को प्राइम मिनिस्टर ना बनाने के लिए कुछ हल्के उनकी पार्टी के अंदर ये दलाइल दे रहे हैं कि ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट है मियाँ साहब को गवार करने वाली बात है बदनाम करने वाली बात है क्योंकि इस सरकार ने कोई लंबे अरसे के लिए तो चलना नहीं सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लीडर्स की ही बात नहीं इस ये जो माइनॉरिटी सरकार बनेगी इसके हवाले से ये तक कहा जा रहा है कि जरदारी साहब के बेटे बिलावल भट्टो की भी ख्वाहिश है जरदारी साहब ने भी इस बात का इज़हार किया कि भाई इस कोजूशन में मेरे बेटे को प्राइम मिनिस्टर बना दें और फिर कुछ और नाम भी हैं ये जो दोनों फैमिलियों के लोग हैं इनसे हटके हट के भी कुछ नाम हैं कि शायद किसी और बंदे को मुस्लिम लीग की तरफ़ से या पीपल्स पार्टी की तरफ से एकदम से आगे करके प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए क्योंकि ये काफ़ी डामाडोल किस्म की सरकार होगी ये कोई स्टेबल सरकार नहीं होगी इकनॉमिक हालात बुरे हैं तो इस वक्त पाकिस्तान में अगली सरकार कौन बनाएगा अगला वजीर अज़म कौन होगा पाकिस्तान की सियासी पार्टियों के अंदर एज़ ऑफ नाव अभी तक मकम्मल इतफ़ाक़ नहीं हो सका इस तमाम सूरत हाल के अंदर हम पी टी आई को देखते हैं वो बहुत तड़पे जा रहे हैं इकतदार के वापसी के लिए और उनकी बहुत प्ली है और वह बहुत ख्वाहिशमंद हैं तो फिर ऐसी क्या बात है जो वो बहुत ख्वाहिशमंद हैं और बाकी लीडर्स जो हैं वो थोड़े से रिल्कटेंट हैं इस मामले में देखिए इमरान खान की जब से सरकार गई है इमरान खान खुद भी पी टी आई के लोग खुद भी वो यही नारा लगा रहे हैं कि इमरान खान ही वापस आएगा हम हमारी पार्टी ही वापस आएगी उनकी पॉपुलरिटी वो बिल्कुल है इस इलेक्शन ने साबित किया कि वो आज़ाद उम्मीदवारों के तौर पर खड़े हुए और सबसे ज़्यादा सीटें उनकी पार्टी के आज़ाद उम्मीदवारों ने हासिल की फिर उनका यह कहना कि भाई हमारी तो सीटें इससे कहीं ज़्यादा थी जितनी हमारे आज़ाद उम्मीदवारों को मिली तो वो मतलब अब ऐसा लगता नहीं है कि उनको जो वो सोचते हैं कि उनका हक हाँ था उनको वापस मिल सकेगा जलसे जुलूस वो ज़्यादा कर नहीं सकते क्योंकि पहले ही उनकी पार्टी बड़ी बदनाम है वायलेंस के सिलसिले में नौ मई के सिलसिले में अब ये मैं कहूँगा कि ये इलेक्शन जो है ना ये इनफैक्ट फैक्ट नौ मई से नौ मई दो हजार तेईस से आठ फरवरी दो हजार चौबीस तक का सफर है अब वो बिल्कुल तड़पे चले जा रहे थे कि भई हमें इकतदार वापस मिलना चाहिए हमसे छीना गया था हालांकि ऐसी बात नहीं थी कि उनसे छीना गया था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत गए थे इमरान खान ये अलग बात है कि इमरान खान के हक में जिन पार्टियों को फौज ने इकट्ठा किया था फ़ौज ने उन पार्टियों को पीडीएम के साथ जोड़ दिया था लेकिन एक तरीका एक प्रोसेस बहरहाल हुआ था ऐसा नहीं था कि वो प्रोसेस ना हुआ हो वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का प्रोसेस था मगर इमरान खान का ये ख्याल था कि आर्मी मेरे साथ थी हमेशा मेरे साथ रहेगी आर्मी ने कहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है हम तो कभी भी किसी के साथ नहीं रहते शायद डिलीवरेंस के भी मामला डिलीवरेंस के भी मामला थे फिर इसके अलावा मतलब इकोनॉमिक सिचुएशन थी हर पी की गुड लक ये हुई कि इनका विक्टम कार्ड खूब चला फिर इमरान खान जेल में हैं कई महीनों से वो विक्टम कार्ड डबल ट्रिपल हो गया जिसकी वजह से इनकी इनकी मकबूलियत में बेतहाशा इजाफा हुआ लेकिन अब जो उनकी इस वक्त इंटरिम लीडरशिप है जिसके सरबरा मिस्टर बरिस्टर गोहर हैं वो रिलेटिवली एक रीजनेबल इंसान है चूँकि इमरान खान तो बिल्कुल ही थे ना पॉपुलर स्टाइल कि मैं या इधर आर या पार वाले आदमी थे वो तो खैर अभी जेल में है लेकिन बैरिस्टर गौहर और कुछ और पीटीआई के लोगों की भी मैंने स्टेटमेंट देखी है वो ये कह रहे हैं कि हम इस तरह की सरकार बनाने को तरजीह नहीं देंगे हम अपोजिशन बैठेंगे तो अगर वो अमली तौर पर ऐसा करते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि उनका अक्लमंदाना फैसला है पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव पॉजिटिव होगा उनके लिए भी पाकिस्तान के जैसे तैसे हालात हैं उसके लिए भी और उसके साथ साथ वो अनपॉपुलर नहीं होंगे अगर वो फ़र्ज़ कीजिए आर्मी के साथ तरले मिनते करते हैं कोई डील कर लेते हैं आर्मी आ, उनको फिर से एम क्यू एम इधर उधर से लोगों की हमायत दलवा देती है वो सरकार बना लेते हैं बड़ी मुश्किल सरकार होगी अगली इकनॉमिक हालात बहुत बुरे हैं टेररिज्म की सिचुएशन बहुत ख़तरनाक है ख़ासतौर पर अफगानिस्तान का बॉर्डर बहुत हॉट है ये इनसे नहीं संभाला जाएगा जो भी सरकार आएगी उसे नहीं संभाला जाएगा बड़ा मुश्किल होगा तो पी की सूरत में इमरान खान की पार्टी इधर बैठ जाएगी अपोजिशन में पी में नून लीग पीपल्स पार्टी एम एंड कंपनी होगी तो वो मुझे लगता है और अनपॉपुलर हो जाएंगे पी डी की सरकार की सूरत में अगर वो बनती है तो चलिए अब आते हैं रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के इंटरव्यू पर जो टक्कर कॉलसन ने किया तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपकी राय में टक्कर ने यह इंटरव्यू कैसे किया यानी जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसा किस क्वालिटी का किस दर्जे का इंटरव्यू रहा देखिए इस पर बड़ी लेदे हो रही है बहुत इस पर डिबेट हो रही है टकर कार्सन ने व्लादिमीर पुतिन के इंटरव्यू के जरिए पूरी दुनिया में हंगामा खड़ा कर दिया और आ, सदर पुतन का ये गालबा पहला इंटरव्यू है जो किसी वेस्टर्न जर्नलिस्ट को उन्होंने यूक्रेन पर हमले के बाद दिया है बड़ा तफसीली इंटरव्यू है और इस इंटरव्यू के ज़रिए पूरी दुनिया में एक्सेप्ट इन द वेस्टर्न वर्ल्ड बल्कि वेस्टर्न वर्ल्ड में भी आ, सदर पुतन को काफ़ी दाद मिली है क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड भी हाफ एंड हाफ में है, हाफ एंटाई पूतन है हाफ प्रो पूतन तो नहीं है मगर वो अपने अपने मुल्कों के अमरीकी जो हैं जैसे सदर ट्रम्प के जो मानने वाले हैं या यह यहाँ पे जो फोर्सेज हैं जो टूडो को सपोर्ट नहीं करती कनाडा में या यूरोप में जो लिबरल पार्टियों को सपोर्ट नहीं करते वो तंग आए हुए हैं वो ये सोचते हैं कि भाई ये जो जंग है ये ख़त्म तो होने वाली नहीं है हमारा पैसा लग रहा है सब कुछ ज़ाया हो रहा है और पुतन का हम कुछ नहीं बगाड़ पा रहे हैं वही वो, वो ये सोच रहे हैं अच्छा फिर ये जो जैसे इंडिया में बहुत मकबूल हैं पोतन चीन में मकबूल हैं पूरे साउथ ग्लोबल साउथ की दुनिया में अफ्रीका में मिडल ईस्ट में हर जगह सदर पोतन बहुत मकबूल है तो इस सारी सूरत हाल में ये इंटरव्यू आना उनकी मकबूलीत में और इजाफा कर रहा है और मैं पहले इस पर फोकस रहता हूँ कि जो आपने कहा जर्नलिस्टिकली अब अब जो वेस्टर्न मीडिया है जो वेस्टर्न हुकूमतें हैं वो ज़्यादातर ज़्यादातर लिबरल्स के हाथों में है सो कॉल लेफ्ट के हाथों में है और वो कह रहे हैं जी कि ये जर्नलिस्टिकली को अच्छा इंटरव्यू नहीं है बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्ट कह रहे हैं मैं जर्मन टीवी फ्रेंच टीवी अल ज़ज़ीरा सीएनएन और बीबीसी सब जगह कहा जा रहा है कि जी ये तो बस एक प्रॉपागेंडा इंटरव्यू था कार्लसन ने एक एवेन्यू दिया है सदर पुतन को अपनी बात पहुंचाने का अपना प्रोपेगेंडा पहुंचाने का और ये बेकार इंटरव्यू था वो टफ़ सवाल कर सकते थे ये क्या बात हुई कि ये इंटरव्यू जो है वो इस तरह दे दिया तो मैं ये समझता हूं कि ये जो मसला है कि ये कहना कि जी टक्कर कॉल्सन को ग्रिलिंग क्वेश्चंस करने चाहिए थे भाई सवाल ये है कि देखने वाली बात यह कि टकर कार्लसन किस का इंटरव्यू कर रहा है रूस के सदर व्लादिमिर पुतन का कर रहा है वो क्यों इंटरव्यू देंगे वो क्यों उन्होंने आज तक किसी को इंटरव्यू नहीं दिया यूक्रेन पर हमले के बाद वो ग्रिलिंग क्वेश्चंस को पसंद नहीं करते अच्छा फिर ये जो ग्रिलिंग क्वेश्चंस होते हैं ये कोई जर्नलिस्टिक क्राइटेरिया नहीं होता मैं मैं नहीं समझता ये डिपेंड करता है कि किसके साथ आपका इंटरव्यू हो रहा है अब सदर पुतन तो कह रहे हैं कि भाई मैं तो और उन्होंने शायद अपना जो इंटरव्यू में दिया उन्होंने यही कहा कि मैं है, कि मैं है मैं अपना पॉइंट ऑफ ये देना चाहता हूँ मैं सिर्फ ग्रिलिंग पे बात कर रहा हूँ कि कि आप किसका इंटरव्यू कर रहे हैं मैं चैलेंज करता हूँ किसी वेस्ट जर्नलिस्ट को कि वो मोहम्मद बिन सलमान से वक्त लेके रखा है इंटरव्यू का वक्त ही नहीं मिलेगा वक्त अगर मिलेगा तो इस इश्योरेंस पे मिलेगा कि सऊदी सरकार कही कि, मैं एक मिसाल दे रहा कि आप कोई स्टुपिट सवाल नहीं करेंगे वो जो इसको कहते हैं ना ग्रिलिंग क्वेश्चन वो उनको स्टुपिट क्वेश्चन कहते हैं यही मामला व्लादिमिर पुतिन का चूंकि वहां पे इन मुल्कों में डेमोक्रेसी का ये स्टाइल नहीं है ये बात बहुत अहम है ठीक है अच्छा इवन मैं आपको बताऊं कि ग्रिलिंग इंटरव्यू के लिए जो बाइडन भी तैयार नहीं होंगे जो अमेरिका का बड़ा है ना ग्रिलिंग ए, एक कल्चर कि जी ग्रिल कर दिया ये पता नहीं जर्नलिस्टों को क्यों होता है मैं खुद जर्नलिस्ट हूं मुझे खुद इसका आइडिया कि यह एक बड़ा होता है कि जी हमने ग्रिल कर दिया मैं दावे से कहता हूं कि कोई ग्रिलिंग क्वेश्चन पर बेस करता हुआ इंटरव्यू सदर बाइडन का करके दिखा दें वो नहीं होने देंगे ठीक है मतलब जब सदर ट्रंप होते थे वो नहीं होने देते थे सिर्फ सदर ट्रंप का मामला नहीं है सदर बाइडन नहीं होने देंगे ग्रिलिंग क्वेश्चन जो हमारा जो कैनेडा का पप्पू है जस्टिन टूडो उसका जरा करके दिखा दें वो किसी को घुसने नहीं देंगे प्राइम मिनिस्टर हाउस में या पार्लियामेंट के अंदर इंटरव्यू के लिए घुसने नहीं देगा ट्रूडो जो सबसे ज्यादा बनते हमेशा, हैं हमेशा हमेशा खासतौर पे इंटरव्यूज़ जो भी इस तरह के फॉर्मल होते हैं उसके अंदर एक क्लियर आउटलाइन होती है आप उससे बाहर कर भी नहीं सकते ज्यादा तो बात अब किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई लीडर फंस गया तो कोई ग्रिलिंग आप क्वेश्चन कर लेंगे तो वो एक अलग बात है लेकिन वो जिसे कहते कॉन्सेंट के साथ इंटरव्यू बाइडन ग्रिलिंग क्वेश्चन पर इंटरव्यू नहीं देगा ट्रूडो नहीं देगा फिर ये सदर ट्रंप से क्यों एक्सपेक्ट uh, करते हैं या सदर पुतन से क्यों मैं दोनों की बात करता हूं चूंकि सदर ट्रंप के बारे में भी ये कहते हैं कि जी वो ग्रिलिंग क्वेश्चन वाला इंटरव्यू नहीं देते चूंकि वो दोस्त बताया जाता है पुतन के तो इस तरह के जो वर्ल्ड लीडर्स होते हैं इवन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात हम कर उनके बारे में भी कहते हैं जी कि जी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है ना वो कोई ग्रिलिंग क्वेश्चन वाला इंटरव्यू नहीं करने देते अच्छा जो ये बात करते हैं फ्रांस के जैसे हैं जर्नलिस्ट हैं या कैनेडा के जर्नलिस्ट हैं अमरीका के जर्नलिस्ट हैं बड़े ये फन खान अलज़ीरा में काम करते हैं अब अलजीरा के जर्नलिस्ट जब ये कहते हैं कि जी नरेंद्र मोदी का ग्रिलिंग इंटरव्यू पॉसिबल नहीं है ये डेमोक्रेटिक लोग नहीं हैं मैं उनसे पूछता हूं अल जजीरा के कि अपने टीवी के मालकों यानी अलजीरा के मालिक कतर की गवर्नमेंट है ज़रा उसमें से किसी कतरी का ग्रिलिंग इंटरव्यू करके दिखाएं इनकी नौकरियां चली जाए ये सारे बाहर बैठे हों सड़क पे वहां पे बैठे हुए ये कड़क चाय पी रहे हो ये सारे के सारे जर्नलिस्ट जो बैठे हुए हैं ना जो अपने आप को लेफ्ट के और बड़े मामे कहते हैं ठीक है ये ग्रिलिंग इंटरव्यू पता नहीं इनको क्या होता है देखिए इंटरव्यू ये होता है इस तरह के वर्ल्ड लीडर का प्राइम मिनिस्टर मोदी हो बाइडन हो इवन ट्रूडो हों चाहे वो किसी भी आइडियोलॉजी के हों लेफ्ट के हों राइट के हों सेंटर के हों वट ऑफ व्यू लेना होता जो आपने बात की थी आपने इनका पॉइंट ऑफ व्यू लेना होता है आपने कोई ग्रिल नहीं करना होता ये जो है ना जर्नलिस्टों को शौक कि जी हम ग्रिल कर लेंगे ये सर छोटे लेवल पे किसी ब्यूरोक्रेट को ग्रिल कर लेंगे किसी एम पी शेम को कर लेंगे अब दुनिया जिस वर्ष पे खड़ी है उसमें अब वो ग्रिलिंग कॉन्सेप्ट है भी नहीं बाकी भी नहीं बचा और आपकी दूसरी बात भी बहुत ठीक है कि हर जगह का डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चर इज़ वेरी डिफरेंट तो आप एक्सपेक्टेशंस ग्रिलिंग की उस तरह नहीं ले सकते आंटे आनलस की कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो रही हो कि जिसके अंदर आप इस किस्म का माहौल हो और इस किस्म का एजेंडा हो कि जिसमें आप ये सवाल कर सकें इस तरह के इंटरव्यू जो कार्लसन टकर ने किया है इसमें तो बहुत प्रिसाइज होते हैं क्वेश्चंस और आंसर और पॉइंट ऑफ व्यूज ही एक्सचेंज किए जा सकते हैं जी और मैं देखिए आपका बुनियादी सवाल था कि इस ये इंटरव्यू कैसा है टकर कार्लसन राइट विंग लीड जर्नलिस्ट हैं सदर ट्रम्प के दोस्तों में भी हैं फॉक्स में रहे फॉक्स भी राइट लीन टेलीविजन चैनल है कोई हर्च नहीं होता अगर दुनिया में लेफ्ट लीन के जर्नलिस्ट होते हैं तो भाई राइट लीन के भी जर्नलिस्ट होते हैं अब ये ये पता नहीं क्या शौक हो गया लोगों को कि जी राइट लीन जो जर्नलिस्ट हैं वो बड़े ही घटिया होते हैं भाई आप लेफ्ट लीन हो तो आपको हक है लेकिन दूसरे को अपनी आइडियोलॉजी पर चलने का हक नहीं है बहरहाल टकर कार्लसन ने सदर ट्रंप का माफी चाहता हूं भारत टक्कर कार्लसन ने सदर पुतन का पॉइंट ऑफ व्यू पूरी दुनिया तक पहुंचाया फर्दे वाहिद हैं टकर कार्लसन किसी टेलीविजन पे काम नहीं करते उनका सिर्फ और सिर्फ अपना यूट्यूब का चैनल है और उस उनके चैनल पे हार्डली कोई वन पॉइंट फोर मिलियन यानी कोई अभी डेढ़ मिलियन सब्सक्राइबर भी नहीं इसके बावजूद उनके YouTube चैनल पे एक बार मैंने देखा वीडियो कोई शायद 16-17 मिलियन लोगों ने एक ही दिन के अंदर देखा था और उनके ट्विटर अकाउंट पे ट्विटर अकाउंट पे 120 मिलियन तक मैंने देखा लोगों ने देखा तो इसका मतलब ये है कि एक अकेले शख्स ने जिसका कोई टीवी चैनल नहीं है कोई कुछ नहीं है उसने सदर पुतन का मैसेज हंड्रेड्स मिलियंस लोगों तक पहुंचाया और जो उनको तनकीद कर रहे हैं वो भी उनको कोट कर रहे हैं वो टीवी चैनल भी सी एन एन बी बी सी जो सदर पुतिन के इंटरव्यू पर टकर कार्सन को तनकीद का निशाना बना रहे हैं वो भी कोट किए बगैर नहीं रह सके तो इस हवाले से ये बहुत ही कामयाब इंटरव्यू चलिए इस इंटरव्यू में सदर पुतिन ने वेस्टर्न दुनिया को क्या पैगाम दिया है और अब आप वेस्ट और रूस की जंग किस तरफ जाती देखते हैं जी बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सदर पुतिन ने चंद पैगाम बड़े वाज तौर पर दिए उन्होंने कहा कि भाई मैं नहीं समझ सका कि नेटो जो है अलायंस सोवियत यूनियन के टूटने के बाद क्यों कायम था क्योंकि सोवियत यूनियन के खिलाफ ही नेटो बना था बुनियादी तौर पर 1949 में नेटो बना था तो उन्होंने कहा कि वो इसलिए हमारे खिलाफ था सोवियत यूनियन के खिलाफ था कि भाई हमारी सर्द जंग थी हर तरह की जंग थी वेस्ट के साथ जब 1991 में हम टूट गए हम हमारा निज़ाम ख़त्म हो गया तो फिर नेटो की क्यों जरूरत थी और ख़ास तौर पर जब हम मगरब के साथ मिल गए हमने जफी डाल ली मगरब के साथ हमने सारी पॉलिसियों के हवाले से मगरब के साथ कारोबार शुरू कर दिया आ, मगरब ने भी हमें अपना आ, तेल सप्लायर इनर्जी सप्लायर करार दे दिया हमारे कल्चर भी एक है हम भी वेस्ट के हैं वो भी वेस्ट के हैं तो कोई ज़रूरत नहीं थी चलिए अगर नेटो रहा भी तो फिर नेटो हमारे ही जो सरहदों के ऊपर क्यों आ गया यानी ख़ास तौर पर यूक्रेन में फिर उनका यह कहना था कि उन्नीस सौ अठारह से पहले तो यूक्रेन नामी को मुल्क भी नहीं था ये बात तो दुरुस्त है वो रूस ही था फिर उन्होंने कहा कि चलिए जी यूक्रेन जो है उसके बहुत सारे हिस्से वो रूस के हैं वैसे तो उनका कहना है कि यूक्रेन का बहुत सारा हिस्सा रूस का ही है खैर के लिए हेरिटेज नहीं पॉलिटिकल हदें भी सारी के सारी हुँँ. तो अब जो हेरिटेज की बात है वो तो पूरा ईस्टर्न यूरोप जो है सलाविक नेशन जो हैं वो एक हैं अब बाल्टिक रियासतों में चले जाएं तो रूसी वहाँ पे भी समझी जाती है रूसी में ही लोग लिखते हैं अब वो प्योर यूरोप है अब वहाँ से बालकान में उतर आए नी नीचे को तो वहाँ पे भी ईस्टर्न यूरोप के मुल्क हैं रोमानिया वो सोवियत यूनियन का भी हिस्सा रहे बलगेरिया फलांट ये सारे के सारे भी मतलब रूसी आज भी जानते हैं सेंट्रल एशिया जहाँ Uh, हम भी बहुत आते जाते रहे हालांकि वो स्लाविक नेशंस नहीं थी वो तुर्किश मुस्लिम नेशंस थी वहाँ पे चुके ये रहे तो वहाँ पे भी रूसी आज तक चलती है तो सदर पुतन ने ये कहा कि भाई उनके जो ख़ास पैगाम थे कि भई यूक्रेन के अंदर जब मगरबी तसल्लत बढ़ा तो वो सिर्फ यूक्रेन के लिए नहीं था वो हमारे लिए भी चैलेंज था और मैं मानता हूँ सदर पुतन की बात को चूंकि देखिए यूक्रेन में मुझे याद है वो एक दो सदर एक ही नाम के होते थे मुझे उनका नाम भूल रहा है वो आपस में एक प्रो रशिया था दो हज़ार आठ नौ में सात आठ की बात है वह एक प्रो रशिया था एक प्रो वेस्ट था तो उन दोनों की लड़ाई चलती रही अच्छा अब यूक्रेन वालों की ये कोशिश और ख्वाहिश रही कि हम यूरोपियन यूनियन का हिस्सा हो जाए क्योंकि यूरोपियन यूनियन ज़रा वहां पर कूल समझी जाती है अमीर लोग हैं एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न Europe, Eastern Europe के बहुत सारे मुल्क यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बन चुके हैं कुछ अभी भी नहीं बने बाल्टिक रियासतें बन चुकी हैं लेट्विया है स्टोनिया है फिनलैंड है ये सब यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है गाबा फ़िनलैंड के बारे में मैं शोर नहीं हूँ वो शायद स्कैंडविया का हिस्सा है वो एक अमीर मुल्क है और लेकिन वो बाल्टिक पट्टी में आता है तो एनी हॉ ये जो सिचुएशन है आ, ये काफ़ी गंभीर हो गई वहाँ पर तो सदर पुतन ने यह मैसेज दिया है कि भाई अमेरिका हमारे ऊपर मुसलता आ गया अब जब कार्लसन ने यह पूछा टकर कार्लसन ने यह पूछा कि क्या आपकी एक्सपेंशनिज्म जिसको वेस्ट कहता है वो और बढ़ेगी आप पोलैंड पे लिटवानिया पे लेटविया पे एस, एस, स्तोनिया पे लिथुआनिया पे ए, हमले करेंगे उन्होंने कहा मुझे क्या जरूरत पड़ी है उन्होंने कहा अगर वो हमला करेंगे तो फिर मैं हमला करूंगा मुझे क्या जरूरत पड़ी है? उनका उन्होंने कहा नथिंग टू डू विद मैं उनकी जो सोवियन जो हैं हदें उनको तस्लीम करता हूँ इस पर वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न पॉलिटिशन ये कह रहे हैं कि सदर ट्रंप ने ऐसी बात तो यूक्रेन के बारे में भी की थी मेरा ख्याल है कि ये आ, इनका वेस्टर्न दुनिया का भी गलत प्रापागेंडा है सदर ट्र सॉरी सदर पुतिन मैं बार बार ट्रंप कह रहा हूँ सदर पुतन ने हमेशा यूक्रेन के हवाले से सख्त तहफा का मुजाहरा किया और वो वो उसको उसको क्लेम करते हैं हैं अभी भी उसको कहते हैं कि ये रूस से कभी भी बाहर नहीं रहा मतलब अगर पूरा वो पूरा यूक्रेन नहीं कहते लेकिन ईस्टर्न यूक्रेन की बात करते हैं और वो कहते हैं जी ईस्टर्न साउदर्न जो यूक्रेन है वो वो कहते हैं ये ये हमारा हिस्सा है उन्होंने क्रेमिया जो एक इलाका था उसको गालबन दो हजार चौदाह में अलग भी कर दिया था फिर अभी उन्होंने ये डॉन बास इस तरह के जो इलाके हैं जब ये हमला भी किया था दो साल पहले तो कुछ इलाके वहाँ पे ऐसे थे जो कब्ज़ा कर लिया उन्होंने कहा कि अब मैं इन इलाकों के रहने वालों को रशियन सिटीजनशिप देने का ऐलान करता हूँ तो देखिए पैगाम अब पैगाम एक तो ये है कि वो दुनिया को उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया सबसे बड़ा दूसरा नेटो के हवाले से उन्होंने ये कहा फिर जो इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि उन्होंने ये पैगाम दिया कि मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ दूसरे मुल्कों पर कब्ज़ा करने के हवाले से मेरा सिर्फ यूक्रेन के कुछ इलाक़ों के हवाले से ये दावा है फिर उसने कहा पूछा टकरने ने कि जंग ख़त्म हो सकती है उसने कहा ये अमेरिका और वेस्ट यूक्रेन को हथियार देना बंद करते हैं जंग ख़त्म हो जाएगी तो इसमें उन्होंने एग्जिट स्ट्रेटजी दी है सदर पुतिन ये एक अहम पैगाम है कि इस जंग से कैसे बाहर निकला जा सकता है अब देखिए दुनिया में देखने की हद तक जो दिखावे का पूरे का पूरा खेल है उसमें तो यही है कि सदर पुतन ने जो बातें की वो वेस्ट को बुरी लगी लेकिन इनफैक्ट वेस्ट यह देख रहा है कि इस इंटरव्यू के जरिए सदर पुतन की बॉडी लैंग्वेज क्या थी और उनको डायरेक्ट मैसेज क्या मिल रहा है अगरचे उन्होंने कहा है सदर पुतन ने कि अमेरिका के साथ बैकडोर बातचीत अभी भी चल रही है इतने सख्त हालात में ही उन्होंने कहा है तो लेकिन उन्होंने अब पूरी दुनिया को कहा है यानी आम जनता को भी पूरी दुनिया के आठ बिलियन लोगों को कहा है कि भाई दिस इज वॉट रशियाज पोजिशन इज ये सबसे बड़ा पैगाम है और वो पूरी पहले तो वर्ल्ड लीडर्स को कहीं बता रहे होंगे ना अंदर ही अंदर कि भई हम इस तरह ये सीज़ फायर कर सकते हैं अब उन्होंने पूरी दुनिया के हर शख्स को बता दिया कि ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है वो भले से दिखावे के लिए बातें की हैं सदर पुतन ने कुछ पे वो अमल करेंगे शायद कुछ पे नहीं करेंगे मगर ये वाला मामला तो पूरे वर्ल्ड लीडर्स का होता है पूरी दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स जो बातें करते हैं दे डोंट मीन एक्टिंग ऑन थिंग्स चलिए इसराइल जंग की तरफ चलते हैं इसराइल में बेंजामिन नितिन याहू के खिलाफ मुजाहरे बढ़ चुके हैं इसराइल और हमास में फायर नहीं हो रहा ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही तो ये अब फिर तनाज़ आपको किस तरफ जाता नज़र आ रहा है एज यूजल क्या रुख इख्तियार करेगा देखिए बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर नितिन याहू की सरकार कोई स्ट्रांग सरकार पहले ही नहीं थी सात अक्टूबर को हमास की टेर्रज़म के बाद इसराइल की बाकी पोलिटिकल पार्टीज़ अपोजीशन और आवाम की मजबूरी बन गई कि वो नतन याहू को मैंडेट दें जंग लड़ने का चूँकि इसराइल के ख़िलाफ़ हमास की जो कार्रवाई थी वो इतनी खौफनाक इतनी सवेजरी वाली कार्रवाई थी कि उस कार्रवाई ने नतन याहू के तमाम पॉलिटिकल दुश्मनों को उनके ना चाहने वालों को भी उनके साथ खड़ा कर दिया खुद अमेरिका की सरदार सरकार भी नतन याहू के कोई हक में नहीं थी लेकिन सात अक्टूबर के बाद न सिर्फ अमेरिका की सरकार बल्कि वेस्टर्न वर्ल्ड की सारी सरकारें इंक्लूडिंग कैनेडा की सरकार वो सब प्राइम मिनिस्टर नतन याहू के साथ हो गई अब जंग को चार महीनों आ, से ज़्यादा हो और ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है हज़ारों फलस्तनी मर चुके हैं और चंद हज़ार इसराइली जो हैं फौजी भी मारे जा चुके हैं और जो बेचारे सात अक्टूबर की टेररिज्म में मारे गए थे बारह सौ के करीब लोग और फिर उसके बाद आज भी एक सौ छब्बीस या एक सौ छत्तीस के करीब लोग हॉस्टेज हैं इस्लामी जहादियों के कब्ज़े में हैं। इस सारी सूरत हाल में अब नतन याहू के ख़िलाफ़ मुजाह इस बात पर हो रहे हैं कि आप क्यों उन हमारे जो हॉस्टेज जो बने हुए हैं लोग उनको क्यों वापस नहीं ला सके अब मुस्लिम वर्ल्ड में ये बातचीत चल रही है कि भाई उधर तो पच्चीस छब्बीसताईस हज़ार लोग मारे गए हैं इधर इसराइलियों को अपने सवा सौ लोगों की पड़ी हुई है अच्छा अब यह है कि ये समझ नहीं आती बात हमारे लोगों को जो ये इस्लामी दुनिया में रहते हैं वो नंबर्स के चक्कर में पड़े होते हैं उनको नहीं पता होता कि भाई हम तो अपने लोगों की जान की वैल्यू अपने मुल्कों में नहीं करते यानी हमास वाले मार रहे हैं पता नहीं कब से एक दूसरे को ही मार रहे हैं वो पी एल ओ वालों को मार रहे हैं पी एल ओ वालों के हाल चढ़ते हैं हमास वाले वो मार देते हैं सीरिया में जो खाना जंगी हुई, हुई हज़ारों बल्कि लाखों लोग मार दिए एक दूसरे एक नहीं यानी मुसलमानों ने मुसलमानों को ही मार है पाकिस्तान वाले कहते हैं जी हमारे अस्सी हजार लोग वॉर टेरर के बाद मर चुके हैं तो ये ये सोचते हैं कि भाई हमारे तो मुल्कों में खून बही जा रहा है तो कोई परवाह ही नहीं करता तो ये सवा सौ लोगों की परवाह कर रहे हैं इसराइली तो ये नहीं समझ सकते इस तरह की बातों को भाई हर जान इम्पॉर्टेंट होती है एक मासूम फलस्तनी बच्चा भी मर रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है और जो हॉस्टेज है वो भी इंपॉर्टेंट है अब देखने वाली बात यह है कि कौन बच सकता है इस सारी जंगों की सूरत हाल से अब अगर ये हमास वाले टेररिज्म ना करते तो ये 26 छब्बीसताईस हजार लोग मरने ही नहीं थे ठीक है अब हमास वालों ने टेररिज्म इसलिए की कि वो तो चाहते हैं कि जंग का मैदान गर्म रहे उनका जहाद कारोबार है जहाद उनकी मैंटेलिटी है घटिया वाला जहाद खासतौर पर तो अब सदर अब वजी अजम नतन याहू के खिलाफ जो मुजाहरे हो रहे हैं वो इसराइल की आवाम भी जिसे कहते हैं ना इनाफ़नाफ़ के स्टेज पर आ चुकी है वो भी ये सोचती है कि भाई चार महीने से ज़्यादा का टाइम हो गया अभी तक हमारे हॉस्टेज वापस नहीं आए उनके वापस ना आने की वजह जो है वो जंग है तो क्यों नतन सीज फायर नहीं करते क्योंकि अभी हमास ने कहा है कि भाई आप सीज फायर कर लें हम लोग दे देंगे अब पता नहीं वो भी कहने के हद तक कह रहे हैं क्योंकि ये भी हम सुन रहे हैं कि जो 126 सौ 136 जो हॉस्टेज हैं वो शायद हमास के कब्जे में उनमें से कम हैं उनमें से कुछ तो बाकी इस्लामिक जहादी ग्रुपों के पास हैं जिनके आपस में ही लड़ाइयाँ होती रहती हैं और कुछ नहीं पता कि उन बेचारों में से कुछ ऑलरेडी मारे जा चुके हों या मर चुके हों जितनी बुरी कंडीशन में वो रह रहे हैं तो बहरहाल जितने भी वो जिंदा उनमें बचे हैं उनके जो रिश्तेदार हैं जो इसराइल में रहते हैं वो तो चाहते हैं ना कि हमारे रिश्तेदार बेचारे छूट के आए चाहे वो सौ हैं सवा सौ हैं जो भी नंबर उनका बनता है तो ऊपर से जंग ने इसराइल पे और इसराइलियों प्रेशर बढ़ा दिया है तो वो फिर जल से जुलूस बढ़ रहे हैं और सीज़ फायर होने का नाम नहीं ले रही बीच में एक बार टेम्परेरी कुछ दिनों की सीज़ फायर हुई थी अभी टोनी ब्लिंकन मरहले को पाँचवा छठा दौरा भी करके आए हैं इसराइल का वो जब से जंग छड़ी है हर दूसरे हफ्ते वो पहुँचे होते हैं वहाँ पर चूँकि अमरीका पर बहुत दबाव है तो ये सिचुएशन है कि जंग जो है सीज़ फायर इसमें होना तो है ऐसा तो नहीं है नहीं होना जितनी जल्दी हो जाए सीज़ फायर आपने पूछा किस तरफ को जाती नज़र आ रही जितनी जल्दी हो जाए बेशक टेम्परेरी हो जो पहले टेम्परेरी हुई थी उससे इनके कुछ कुछ सौ लोग छूटे थे तो अभी भी कुछ टेम्परेरी हो जाए कुछ तो कूल डाउन हो ताकि इसराइली सोल्जर्स भी मर रहे हैं इसराइल फलस्तनी आम लोग भी मर रहे हैं उनके मरने का सिलसिला कम हो तो फायर चूँकि होना है इसने ऐसा नहीं है कि नहीं होना तो हो जाए तो अब अच्छा है क्योंकि जितना इसराइल ने ऑपरेशन कर दिया काफ़ी है आ, तो आप देखते हैं आ, जैसा कि आपने कहा उसी की कॉन्टीन्यूटी में क्योंकि इसराइल पर दबाव बढ़ता जा रहा है तो अब इसराइल इस दबाव को कैसे पेश करेगा यानी कि किस रुख को ये ऊंट बैठेगा जी देखिए जो भी मैंने बात की उसकी थोड़ी सी एक्सटेंशन मैं और कर देता हूँ फेस बहुत मुश्किल हो रहा है इसराइल के लिए भी इसराइल सरकार के लिए भी और इसराइलीओं के लिए चूँकि इंटरनेशनल प्रेशर मीडिया का हुकूमतों का जनता का बहुत है सात अक्टूबर को जब यह हमास ने टेररिज्म की थी तो इसराइल और इसराइलियों के हक में पूरी दुनिया खड़ी हुई थी हत्या के मुसलमान मुल्कों में भी ये ख्याल पैदा हुआ कि भाई ये तो हादी हो गई है जो मतलब थोड़े से अकल वाले मुसलमान हैं जो जहादी कस्म के उनको तो हम कुछ नहीं कर सकते लेकिन अब ये जंग चुक के नहीं रुक रही और हजारों की तादाद में फ़लस्तीनी मर चुके हैं और उनमें ख़ास तौर बच्चे ख़वातीन ज़्यादा हैं तो फिर सिम्पटीज़ जो पहले इसराइल के साथ हुई थी वो अब उल्ट हो गई हैं अब इसराइल के खिलाफ हो गई हैं शदीद खिलाफ हो गई हैं अब कोई ये सोचने को तैयार नहीं कि भाई इस जंग का आगाज़ कैसे हुआ था अगर कोई ये सोचता भी है तो भी ये कहता है कि भाई अब इनाफ़ तो ये प्रेशर बहुत है अब ये प्रेशर सिर्फ आउटसाइड प्रेशर ही नहीं है इसराइल पर खुद इसराइल के अंदर प्रेशर बहुत है जैसा कि अभी हमने पिछले सवाल के जवाब में मैंने बात की आपने भी बात की कि जो प्रोटेस्ट अब बढ़ रहे हैं नतन याहू की गवर्नमेंट के खिलाफ वो इस बात का सबूत है कि अब ये दबाव सिर्फ बाहर का नहीं है इंटरनल भी है और बहुत है और बहुत बड़े काम चलिए अब आते हैं कतर की तरफ तो कतर ने आठ रिटायर्ड इंडियन नेवल ऑफिसर्स को जासूसी के एक मुकदमे से बरी करते हुए रिहा कर दिया है इन ऑफिसर्स पर इसराइल के लिए जासूसी करने का इल्ज़ाम था तो इस पर तबसरा कीजिए कि ये क्या सूरत हाल है जी बड़ा ये आ, अलार्मिंग मसला था मुझे याद है कि जब चंद महीने पहले कतर की सरकार ने भारत के आठ रिटायर्ड नेवल ऑफिसर्स जो कतर की नेवी में या नेवी से रिलेटेड तंजीपात में वो काम करते थे कंसल्टेंसी करते थे अपनी एक्सपर्टीज़ देते थे उनको गिरफ्तार कर लिया था गाल डेढ़ साल पहले फिर उन पर मुक़दमा चला मुकदमा क्या था कि ये इसराइल के लिए जासूसी कर रहे हैं फिर कतर की सरकार ने वो साबित कर दिया एविडेंसेस से वो उनकी अपनी एविडेंसेस आई डोंट नो उसमें कितना सच है क्या रियलिटी है लेकिन वो जब साबित हो गया तो इन आठ इंडियन नेवल ऑफिसर रिटायर्ड नेवल ऑफिसर्स को फांसी की सजा हो गई थी ये एक बहुत बड़ा लमह फिक्रिया था भारत के जो खास तौर पर जो लेफ़्ट के लोग हैं जो प्राइम मिनिस्टर नरिंद्रा मोदी के बहुत खिलाफ हैं तो उन्होंने बहुत आके सोशल मीडिया पर शोर शोर मचाया कि बड़े दावे करते थे मोदी जी कि हमारे बड़े अच्छे अरबों के साथ तल्लक़ात हो गए हैं ज़रा बताएँ अब कि कहाँ अच्छे तल्लक हैं वो तो आठ इंडियन नेशनल्स को कतर ने सजाए मौत दे दी तो भारत की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने बहुत डेलिकेटली इसको हैंडल किया फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पर्सनल इंटरेस्ट लेके कई बार पैगाम कतरी रहनुमाओं तक तो पहुँचाया फिर जब उनकी मुलाकातें भी हुई हैं गलबा इस अरसा के दौरान मेरे मेरा दो तीन हुई हैं तो कहा जाता है कि उन्होंने जाती तौर पर इस पर कहा तो फिर गलबा कोई दो महीने पहले कतर की सरकार ने यह कहा हम सजाए मौत को ख़त्म कर देते हैं हम कुछ सालों की सजा उनको दे देते हैं एक दो को शायद उम्र कैद की सजा थी कुछ को दस साल पंद्रह साल इस तरह का सीन बना फिर अब ये भारत के लिए खुशखबरी आई एक दो दिन पहले कि जी सबको रिहा कर दिया और रिहा होने के बाद वो आठ में से सात तो गालबा इंडिया वापस चले गए हैं और शायद जब ये हमारा शो एयर जाए तो शायद जो आठवें साहब हैं वो भी शायद तब तक इंडिया वापस जा चुके होंगे लेकिन जो ख़बरें हमें मिल रही हैं इंटरनेशनल मीडिया के राही वो ये है कि आठ के आठ को इस मुकदमे से बरी कर दिया है तो ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट। भारत में क़तर की जेल से रिहा होने वाले आ, लोगों के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जाती तौर पर शुक्रगुजार हैं इस हवाले से आप इस केस को कैसे देखते हैं? जी जैसा मैंने अभी पीछे कहा ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पर्सनल जो आ, एफर्ट्स हैं लगता ये है कि उनकी बिना पर ये इतना बड़ा केस जो था उन आठ नेशनल्स की सजाए मौत फिर उम्र कैद फिर चंद साल की सज़ा फिर मुकम्मल रहाई की खुशखबरी ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कोशिशों की वजह से ही लगता है मुमकिन है हत्या कि इस बात का इजहार जो भारत में वापस पहुँचे हैं इन्हीं नेवल ऑफिसर्स को जो कैद से छूट के वापस पहुँचे हैं उनमें से चांद एक ने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए कहा भी है कि अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर्सनली इंटरवीन ना करते इस, इस मुकदमा में अपनी दिलचस्पी ना दिखाते तो ऐसा नहीं होना था तो अब जो क्रिटिक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अटैक कर रहे थे कि देखिए जी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के तो बड़े दावे थे कि जी मेरे अरबों के साथ बहुत अच्छे तल्लक हैं जरा आप छुड़ा के दिखाए तो अब उनके सारे की सारी जो क्रिटिक है या जो उछल कूद है वो धरी की धरी रहेगी तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट uh, है भारत के लिए बड़ी खुशी की बात है uh, कि उनके uh, जो आठ uh, नेवी के ऑफिसर्स थे जो रिटायर्ड थे वो भाइजत रिहाव के वापस आ गए हैं तो ये जो एलिमेंट है अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो अगला इलेक्शन है उसमें भी उनको फायदा देगा इनडायरेक्टली भी डायरेक्टली भी अगर से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये सब कुछ इलेक्शन के फायदे के लिए नहीं किया ये मैं समझता हूं उन्होंने वो उनका मिशन ही ऐसा होता है वो अपने लोगों को जहां कहीं वो फंसते हैं बचाना चाहते हैं और तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी Uh, को इस बात की वजह से इंटरनेशनली भी बहुत सराहा जाएगा और उनको बहुत दाद मिलेगी इंटरनेशनली भी पूरा इंटरनेशनल मीडिया भी अब ये कहने जोगा नहीं होगा कि भारत और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने लोगों को बचा के लाने में कामयाब नहीं हुआ तो ये बहुत बड़ा बेंच मार्क है भारत के लिए भारतीय लोगों के लिए और बीजेपी की सरकार के लिए चलिए आज के बिला तकल्फ़ तबसरों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आज का बिला तकल्फ़ शो मेरे और ताहिर गोरा के साथ देखने का बहुत शुक्रिया आप हमारे टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे इसी चैनल पर मौजूद डोनेट के बटन को दबाकर आप पेट्रियन, पेपॉल या क्रेडिट कार्ड के जरिए डोनेट कर सकते हैं Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.